जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सिर्फ 3 शनिवार माता काली के मंदिर में ये 5 चीज़ एक बार जाके चढ़ाएं, फिर खुद देखें माता आपको 20 दिन में ही टॉप का भगत बनाएगी। जी हाँ भक्तों, जितने भी मेरे काली माता और अन्य देवियों के भक्त हैं देवताओं, तो उन लोगों के लिए आज मैं एक ऐसी वीडियो में जानकारी लेकर आई हूँ जो किसी ने जल्दी से नहीं बताई होगी। अगर आप लोग भगत बनना चाहते हो माँ काली के, जिस भी देवी देवता के, और आप भगत बनने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हो, दिन रात पूजा पाठ भी करते हो, हुक्का भी लगाते हो, हवन भी करते हो, मंत्र जाप भी करते हो, मंदिर में भी जाते हो दर्शन करने, तो ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो इसको तो आप करते रहो, यही सेवा आपकी आपको टॉप का भगत बनाती है। सिर्फ मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बताऊंगी जो आपको 3 शनिवार तक माता के नाम से चढ़ानी है, और वो भी कहाँ पर? माता के मंदिर में। यदि आप ये 5 चीज़ें चढ़ाना शुरू करेंगे फिर आप खुद देखेंगे माता का चमत्कार। 20 दिन में ही आप माता काली के नाम से जाने जाएंगे और सबसे नंबर 1 पे टॉप के भगत भी बन पाएंगे। चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, 2 लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जी, आप लोगों को इस कार्य को करने के लिए 3 शनिवार का समय निकालना है, ठीक है? जैसे हफ्ते में 2 शनिवार होते हैं, ठीक है, हफ्ते में 1 शनिवार होता है, 2 हफ्ते में 2 शनिवार होते हैं, और 3 हफ्ते में 3 शनिवार होते हैं। अब आपको 3 शनिवार का समय निकालना है, यानी कि 3 शनिवार तक माता के मंदिर में ये 5 चीज़ें एक बार जाके चढ़ानी है, फिर खुद देखें माता आपको 20 दिन में ही टॉप का भगत बनाएगी। जैसा आप भगत बनना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, अनेक देवी देवताओं की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा जब आप शनिवार के दिन माता के मंदिर में ये 5 चीज़ें चढ़ाएंगे। तो पहले मैं आपको ये 5 चीज़ें बता देती हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी कैसे कैसे आपको चढ़ानी है, क्या क्या करना है, सब कुछ बताऊँगी। चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ बताऊँगी, बस आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक। अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं तो आपकी समझ में पूरी तरीके से आएगा, अगर आप इसे आधी अधूरी देखोगे तो आपकी समझ में 0% भी नहीं आने वाला। पहली चीज़ में आप लोगों को 11 नींबू की माला लेनी है, दूसरी चीज़ में एक मीठा पान लेना है, तीसरी चीज़ में पानी वाला नारियल ले लेना है जो नवरात्रों में इस्तेमाल किया जाता है, चौथी चीज़ में आपको एक जायफल लेना है, पांचवी चीज़ में आपको 9 बत्तासे 18 लौंग लेनी है। अब आपको करना क्या है, ये चीज़ें लेके आपको अपने नियर बाय यानी कि अपने आसपास के माता काली के मंदिर में जाना है, पहले माता के दर्शन करके पैर छू के उसके बाद से ये चीज़ें वहाँ पे अपने हाथों से आपको चढ़ानी है। अगर आप टॉप के भगत बनना चाहते हो तो ये कार्य भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर चॉइस है भगत बनने की, आप चाहते हो कि जन कल्याण करो, गरीबों की मदद करो, तो आप भगत बन के सब कुछ कर सकते हो। तो ये 5 चीज़ें आपको माता के मंदिर में जाकर ही चढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे कि देखिए, माता का मंदिर चाहे सिद्धपीठ स्थान हो कैसा भी हो, वहीं आपको जाना है और जाके कम से कम साथ में आपको 7-8 कपूर लेकर चलने हैं। मंदिर में जाके कपूर जला के माता को ये 5 चीज़ें आपको चढ़ानी है। अगर आप भगत बनना चाहते हो, सिर्फ 3 शनिवार आप इस कार्य को करके देख लो, आपको अपनी आंखों से खुद चमत्कार दिख जाएगा माता का, मुझे तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। और 20 दिन मैं आपको दे देती हूँ, 20 से 21 दिन
आप माँ काली के टॉप के भगत बनोगे। माता के नाम से आप सब जगह जाने भी जाओगे और माता के साथ साथ दुनिया आपको भी पूजेगी। अगर आप सच्चे और अच्छे टॉप के भगत बनना चाहते हो तो ये 5 चीज़ें एक बार माता के मंदिर में ज़रूर चढ़ाओ। यानी इस चीज़ का इस्तेमाल आप एक बार ज़रूर करके देखो, फिर उसके बाद देखना 20 दिन का इंतज़ार करके। माता के नाम से आप जिस भी बीमार व्यक्ति को हाथ धरोगे वो व्यक्ति उसी समय ठीक हो जाएगा। आपको सारी भक्तावल की जादूगिरी की पावर जब मिल जाएगी जब आप माता के मंदिर में ये चीज़ें करोगे। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएँ पूरी करें।